पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने हल्ला बोला और सभी जिलों में महंगाई और पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हाथों में महंगाई विरोधी तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग की। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते विरोध प्रदर्शन में ज्यादा भीड़ नहीं हुई। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सिविल लाइन पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, भजन लाल जाटव, रघु शर्मा सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आमजन पहले ही कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं बढ़ती महंगाई ने भी आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारे बीच में पधारी हुई जयपुर, जयपुर का सबसे पवित्र स्थान है। देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी जयपुर में भी वार्ड स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। पेट्रोल पंपों पर एक सांकेतिक तौर पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हमारे साथ हैं यहाँ पर बीडी कल्ला जी, ऊर्जा मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं। कल्ला साहब, आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस एक मैसेज दे रही है? निश्चित रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी और गोविंद सिंह जी डोटासरा के माध्यम से जो ये सारे राजस्थान में वार्ड वाइज और ग्राम पंचायत वाइज जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई सरकार ने स्वयं बढ़ाई है। उन्होंने लगातार एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि करके जो जनता के ऊपर भार डाला है वो असहनीय है और ये महंगाई सुरसा के बदन की तरह बढ़ रही है। जैसे सब्जी, दाल, दलहन, गेहूं, सारी चीज़ें जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण दाल भाड़ा बढ़ जाता है और उससे हमारे यहाँ आप देख रहे हो महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। इसलिए एलपीजी गैस को महंगा कर दिया, दुगने से ज़्यादा कीमतें उसकी कर दी, इसलिए जनता परेशान है और इसी बात को लेकर के आज हम धरना दे रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल पे जो एक्साइज सरकार ने बढ़ाई है वो वापस ले और इस महंगाई को कम करे ताकि जनता का की महंगाई जो है रुक सके। हमारे साथ भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाटी साहब, आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज? देखिए, आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो वायदे देश की जनता से किए थे, उन वायदों पर मोदी जी की सरकार पूरी तरह से वादा खिलाफी कर रही है। पिछले सवा साल से आम आदमी कोरोना से पीड़ित हो रहा है, लेकिन मोदी जी की सरकार कोरोना में भी अवसर ढूंढ रही है और एक व्यापारिक दृष्टि से लगातार टैक्स बढ़ा रही है। पेट्रोल के भाव बढ़ाए, डीजल के भाव बढ़ाए, रसोई गैस के भाव बढ़ाए और यहाँ तक कि खाने की वस्तुएं के दाम बढ़े हैं, तेल के भाव बढ़े हैं और दाल के भाव बढ़े। एक दिन के धरने प्रदर्शन से काम चल जाएगा? देखिए, जब तक केंद्र सरकार ये मूल्य वृद्धि और ये महंगाई कम नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक संघर्ष करेगी। हमने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था और वैक्सीन के को निःशुल्क करने की हमारी राहुल गांधी जी ने, नेता ने मांग की थी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आया था, तो निश्चित रूप से उनको वैक्सीन के कि जो मूल्य है, जो सशुल्क वैक्सीन है, उसको वापस देना पड़ा। मैं समझता हूं कि मोदी जी को तत्काल पेट्रोल और डीजल के भाव कम करने चाहिए और महंगाई को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, ये थे भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री और ऊर्जा मंत्री थे बीडी कल्ला।